नारेबाजी और पोस्टरों से पटे रोहिणी कोट परिसर के नजारे को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं हाल में हुए रोहिणी कोट बार काउंसिल के चुनाव कैंपेन की। हालांकि समाज में वकीलों को बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी बार काउंसिल के चुनाव में हूटिंग, शोर शराबा, पोस्टरों से कोर्ट परिसर को गंदा करना और कोर्ट के कामकाज में खलल डालने का नजारा देखा गया, वो निश्चित रूप से आपका नजरिया बदल देगा। इस तरह का नजारा अब तक छात्र संघ के चुनाव या फिर अन्य चुनावों में ही देखा जाता रहा है, लेकिन अगर तथाकथित बुद्धिजीवी वकील भी इस तरह की बचकानी या फिर यूं कहें कि गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते देखे जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा। ये जो बार काउंसिल का चुनाव होता है ये वकीलों के हित के लिए होता है और इसीलिए चुनते हैं कि भाई जो भी जीत गया है वो वकीलों के हित में काम करे। लेकिन जिस तरीके से ये बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है और उसमें जो चुनाव का स्तर है ये इस तरीके से हो गया जैसे आम यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है या गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, तो इससे जो लोग हैं उनको, वकीलों को भी परेशानी होती है, जो आम क्लाइंट आते हैं जिनके मुकदमे होते हैं उनको भी परेशानी होती है, जजों को भी परेशानी होती है, इतना शोर शराबा होता है। तो मेरी जो भी जीत के यहाँ से आए कैंडिडेट उससे विनती है कि चुनाव के स्तर में थोड़ा सुधार किया जाए। हम लोगों ने अपने वोट को इस तरह ये कर दे देते हैं ताकि ना दो साल तक हम लोग परेशान रहते हैं, और ये जो चुनाव की जो है जो यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होता है जैसे गांव के चुनाव होता है इस तरह की ये चुनाव की माहौल बन गया, ऐसे नहीं होना चाहिए और एक साफ सुथरी चुनाव होना चाहिए और लोगों को अपनी जो वोट है वो वोट को सोच समझ के देना चाहिए। हालांकि कोई भी आम नागरिक जो कोर्ट में अपने किसी केस या अन्य काम के सिलसिले में यहां आता है वो वकीलों के इस व्यवहार पर सीधे सीधे टिप्पणी करने से बचता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों का कहना था कि महज एक बार काउंसिल के चुनाव में इतना हो हल्ला और पोस्टरबाजी की जरूरत ही क्या थी। हालांकि कई वकील इसको जायज भी ठहराते दिखे। हाँ, इलेक्शन होता वहाँ हर जगह ये प्रक्रिया चलती है, वहाँ होता ही ऐसे ही है, वहाँ पर जो है जो भी इलेक्शन होते हैं वो सब जगह ऐसे ही प्रचार होता है, ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही जो पर्चे फटते हैं ऐसे ही सब कुछ होता है। अब दूसरों के हक की लड़ाई का हवाला देने वाले इन बुद्धिजीवी वकीलों को कौन समझाए कि इस तरह के हंगामेबाजी और पोस्टरबाजी कर कोर्ट परिसर और उसके आसपास के माहौल को खराब करने पर उनकी खुद की छवि ही खराब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।